उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन पर नौचंदी एक्सप्रेस बेपटरी हो गई है। प्रयागराज से चलकर मेरठ सिटी ये ट्रेन जा रही थी। ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ट्रेन को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रयागराज से चलकर मेरठ सिटी की ओर ये ट्रेन जा रही थी। बड़ा हादसा कहीं ना कहीं टला है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हमारे सहयोगी अमरीश सिंह। अमरीश, क्या है मामला? ट्रेन बेपटरी हुई है, क्या घटना की लेटेस्ट अपडेट? जी बिल्कुल आशीष, देर रात ट्रेन जब जा रही थी उस वक्त बेपटरी हो गई थी और काफी जद्दोजहद के बाद उसको फिर से पटरी पर लाया गया और ट्रेन को फिर से हवाएं शुरू हो गई है भेजने की। और प्रयागराज से चलकर नौचंदी एक्सप्रेस मेरठ जाती है, जो की लखनऊ और बरेली होते हुए जाती है। देर रात अभी कारण का पता नहीं चल पाया कि आखिर कैसे ये पटरी से उतरी है, लेकिन रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और फिलहाल ट्रेन को फिर से रवाना कर दिया गया। आशीष, कितना वक्त वहां पर लगा है फिर से पटरी पर ट्रेन को लाने में? कम से कम 2.5 घंटे का ये जद्दोजहद हुई है, 2.5 घंटा कम से कम लगा आशीष, और इससे यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई क्योंकि गर्मी का असर इस वक्त बेहाल कर दिया है और काफी उमस भरी गर्मी थी, तो ऐसे में और ज्यादा परेशानी का ये सबब बनी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी अमरीश सिंह, जिन्होंने बताया कि पटरी पर फिर से ट्रेन को लाया गया और फिर रवाना किया गया है। करीब 2.5 से 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बेपटरी हुई ट्रेन को फिर से पटरी पर लाया गया है। इस दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।